हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन माइनर लॉसेस, जो कि फ्लो 3 पाइप्स इस यूनिट का टॉपिक है। तो इसका हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसका नाम था माइनर लॉसेस। तो उसी के ऊपर बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले दोस्तों। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ माइनर लॉसेस, स्टेट विथ फॉर्मूला एंड नोटेशन, वेरियस माइनर लॉसेस, डिस्क्राइब लॉस ड्यू टू एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एग्जिट, एंट्री, पाइप फिटिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर माइनर लॉसेस, दैट इज लॉस ड्यू टू एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एंट्री, एग्जिट एंड पाइप फिटिंग। इसके ऊपर के हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आज। प्रोग्राम आउटकम है जिसमें हमारा PO1, PO4, PO6 और PO7 सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा है वो हम लोग आज देख। तो आज अब यहाँ पे अपना पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है अ वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ 12 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप वाज फाउंड टू बी 3.5 मीटर पर सेकंड। मतलब एक 12 सेंटीमीटर का डायमीटर का पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, जिसका वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्लो पाथ इन द पाइप इज डिस्ट्रक्टेड बाय एन आयरन प्लेट ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब वो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्ट्रक्ट हो रहा है किस वजह से? क्योंकि उस पाइप के अंदर एक 8 सेंटीमीटर का आयरन प्लेट है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे, है ना? ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर का, जिस वजह से वो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कैलकुलेट बोल रहा है लॉस ऑफ इट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन CC इज इक्वल टू 0.75। तो हमको लॉस ऑफ इट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए CC गिवन है 0.75। देखिए डायमीटर पहला दिया हुआ है, क्योंकि हमें देखिए ऑब्स्ट्रक्शन वाले फॉर्मूले में चार चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक कैपिटल ए दैट इज पाइप डायमीटर, एक स्मॉल ए दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन डायमीटर, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया, जो तीसरा रहता है CC, और चौथा रहता है वेलोसिटी। तो ये चारों चीजें गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल डी मतलब क्या हो गया, पाइप का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो वो मीटर में हो जाएगा 0.12 मीटर। ऑब्स्ट्रक्शन का स्मॉल डी है जो 8 सेंटीमीटर है, जिसका हो जाएगा 0.08 मीटर। तो कैपिटल डी से कैपिटल ए निकलेगा, स्मॉल डी से स्मॉल ए निकलेगा, ठीक है। वी दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकंड, और CC दिया है 0.75 मीटर पर, सॉरी इसको ये नहीं रहता है, यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो पहला हम लोग एरिया निकालेंगे कैपिटल ए पाई बाय 4.12 का स्क्वायर से, ठीक है। तो और दूसरा है हमारा स्मॉल ए पाई बाय 4.08 का स्क्वायर। तीसरा वी दिया हुआ है हमारे को 3.5 मीटर पर सेकंड, और CC दिया है 0.75, ठीक है। सो एफ एच ऑब्स्ट्रक्शन का फॉर्मूला है v² / 2g / a / cc, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए और ब्रैकेट उसका स्क्वायर। तो देखिए v² की जगह 3.5 उसका स्क्वायर / 2 × 9.81, दैट इज g। कैपिटल ए की जगह हम लोगों ने लिखा पाई बाय 4.12 का स्क्वायर, CC की जगह हम लोगों ने 0.75, फिर कैपिटल ए की जगह पाई बाय 4.12 का स्क्वायर माइनस स्मॉल ए की जगह लिखा पाई बाय 4.08 का स्क्वायर। तो इन सभी का आप इक्वेट करेंगे तो हमारे को आंसर मिलता है 3.596 मीटर। ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर, जो इज एच ऑब्स्ट्रक्शन। सो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एट सडन एनलार्जमेंट ऑफ अ वाटर लाइन फ्रॉम डायमीटर 200 mm टू 350 mm, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज 0.5 m³/s, डिटरमाइन हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। मतलब एक पाइप है जो कि छोटे से सडन एनलार्ज हो रहा है, तो एक छोटे पाइप को बड़ा पाइप कनेक्ट किया, छोटे पाइप का डायमीटर है 200 mm, बड़े पाइप का डायमीटर है 350 mm, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब कि उल्टा डिस्चार्ज है 0.5 m³/s। डिटरमाइन हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, तो हमें निकालना है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो देखिए हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट का फॉर्मूला होता है v1² माइनस v2², और यहाँ पे इसका स्क्वायर रहता है डिवाइडेड बाय 2g, है ना? ये 2 यहाँ से कट गया है, यहाँ पे v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ पे ये सर v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो हमें यहाँ पे v1 और v2 चाहिए अगर हमें हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट निकालना है। तो हमको दिया क्या है, d1 दिया है 200 mm, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। d2 दिया है 350 mm, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.35 मीटर, और q दिया है 0.5 m³/s। तो यहाँ से देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला फॉर्मूला या डिस्चार्ज का फॉर्मूला लेंगे, q इज इक्वल टू a1 v1 a2 v2। सो q है तो यहाँ से d1 से a1 निकल जाएगा, d2 से a2 निकल जाएगा। सो हमें
क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ए वन वी वन लेंगे तो वी वन निकालना है तो क्यूब डिवाइडेड बाय ए वन करेंगे, तो क्यूब है हमारे पास ए वन भी हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 15.93923 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वी वन का। वैसा ही वी टू का देखिए क्यूब डिवाइड बाय ए टू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.199 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ए वी टू। अब ये वी वन और वी टू मिल गया, इसको वैल्यू यहाँ पे रखो एच एनलार्जमेंट की जगह पे, उसको स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 इनटू जी, दैट इज 9.81, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 5.65 मीटर। दिस इज द सेकंड आंसर, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर। बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं दोस्तों इसके ऊपर, आप जल्दी समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ए हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप हैज एन एब्रप्ट एनलार्जमेंट सच दैट द डायमीटर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज क्रॉस सेक्शन आर 250 mm एंड 450 mm। The volumetric flow rate of the pipe is 0.3 meter cube per second. Find the total heat loss due to abrupt enlargement. तो यहाँ पे भी सिंपल ही दो पाइप है, छोटे से बड़ा पाइप, मतलब पहला छोटा पाइप लगाया 250 mm, तो ये हो जाएगा मीटर में 0.25 मीटर, दूसरा दिया हुआ है 450 mm, तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर, और क्यूब दिया हुआ है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो यहाँ से देखिए D1 से A1 निकल जाएगा, D2 से A2 निकल जाएगा, तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे, q इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, सो v1 इज इक्वल हो जाएगा q डिवाइडेड बाय a1, तो यहां से v1 मिल जाएगा, v2 हो जाएगा q डिवाइडेड इज q इज इक्वल टू a2 v2, तो यहां से v2 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय a2, तो यहां से v2 मिल जाएगा। फिर h एनलार्जमेंट के फॉर्मूले में v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो वहां पे ये v1 और v2 का वैल्यूज पुट अप करिए तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.914 मीटर। ऐसे छोटे-छोटे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है दोस्तों ये। नेक्स्ट और देखते हैं एक, तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एट अ सडन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वाटर लाइन फ्रॉम डायमीटर 350 mm टू 250 mm एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रेक्शन का न्यूमेरिकल है, जो कि बोल रहा है 350 mm का एक पाइप है जिससे कनेक्टेड है 250 mm का पाइप, जिसमें से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिटरमाइन द हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन के वजह से निकलने वाला हेड लॉस हमको फाइंड आउट करना है। कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एज 0.58, तो यहाँ पे सीसी का वैल्यू दिया है इन्होंने 0.58। तो देखिए हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया तब आपको हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे थे, एक फॉर्मूला देखा था 0.5 v² / 2g, तो वो कब लेना है दोस्तों, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन गिवन नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे डायरेक्ट 0.5 v² / 2g, लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन गिवन है तो हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा v² / 2g ब्रैकेट 1/cc - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए ये फॉर्मूला कब लेंगे हम लोग, जब हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन न्यूमेरिकल में गिवन है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, d2, यहाँ पे देखिए d1 का काम नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट फिट टू स्क्वायर से काम चालू होता है यहाँ पे हमारा, तो d1 का काम नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिवन में लिखा d2 250 mm, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। उसके बाद क्यू दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसके बाद सीसी दिया हुआ है 0.5। ये तीन वैल्यूज दी है, और ये जो वैल्यू दी है 350 mm, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए दी है कि आपको न्यूमेरिकल कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो थोड़ा सा मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, आज भी कह रहा हूँ फिर से, कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा एक बार पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यूज दी है आप लोग, ये नहीं सडन कॉन्ट्रेक्शन नहीं पड़ेंगे, और डायरेक्ट दो डायमीटर्स दिए तो आप एनलार्जमेंट के फॉर्मूले भी यूपी यूज कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ना हो इसलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये गिवन डाटा है, तो देखिए सबसे पहले क्यू दिया हुआ अपने पास, हम लोग यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, उसके बाद डी टू दिया हुआ है, तो डी टू से हमारा ए टू निकल जाएगा, तो 5/4.25 का स्क्वेयर, ये हमारा एरिया टू रहेगा, तो एरिया टू से हमारा क्या निकल जाएगा, वी टू, वी टू का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्यू इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो ए टू का फॉर्मूला ये है और Q हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों से हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा V2 0.0490 मीटर स्क्वायर। फिर H कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला है V2 स्क्वायर बाय 2g1/cc - 1 और ब्रैकेट का स्क्वायर, सो V2 कितना आएगा हमारा, तो V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A2, तो Q डिवाइड बाय A2 है हमारे पास में, तो Q है 0.03 और A2 है 0.0490, तो ये हो जाएगा 0.612 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब वैल्यूज को हम लोग ये कॉन्ट्रेक्शन की वैल्यूज में रखेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.01001 मीटर, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों माइनर लॉसेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं,
एक और न्यूमेरिकल है, द डायमेंशन ऑफ 350 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप सडनली रिड्यूस टू डायमीटर ऑफ 150 mm। मतलब क्या बोल रहा है, 350 mm पाइप का डायमीटर है जिसको सडनली रिड्यूस किया है 150 mm पे। इफ वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 0.48, देन डिटरमाइन हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द पाइप। ये भी हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कह दिया नहीं, हमको ये समझना है कि देखो क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ 350 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप इज सडनली रिड्यूस टू डायमीटर ऑफ 150 mm। मतलब 350 mm डायमीटर का पाइप 150 mm के डायमीटर पाइप में रिड्यूस हो रहा है। फिर वहाँ फ्लो रेट दिया है और सीसी दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे गिवन में आएगा D2, क्योंकि यहाँ D1 का काम नहीं पड़ेगा तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली D2 से काम करते हैं। तो D2 150 mm है, तो इसका हो जाएगा 0.15 मीटर क्यू, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड, और सीसी 0.48। पूरा प्रोसीजर वही है, क्यू दिया हुआ है, ए टू है 0.4 = 0.15 स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारा ए टू मिल जाएगा। फिर हम लोग क्यू इजिकल्स टू ए टू वी टू करेंगे तो यहाँ से हमको वी टू का वैल्यू मिल जाएगा, वी टू इजिकल्स टू क्यू डिवाइड बाई ए टू, तो ये हो जाएगा 2.831 मीटर पर सेकेंड। फिर एच ऑब्स्ट्रक्शन का, एच कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला है v² / 2g, v² / 2g 1/cc - 1 उसका स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली इसमें पुट अप करिए तो हमको लास्ट में आंसर मिल जाएगा 0.4794 मीटर। तो इस टाइप से ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं दोस्तों माइनर लॉसेस के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आपको एज असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, वाटर हैमन, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। थैंक यू वेरी मच।